अगर आप सभी लोग HDFC लाइफ के संपूर्ण निवेश प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको HDFC लाइफ के संपूर्ण निवेश प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यह वीडियो यूलिप प्लान की प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। अब जैसा कि आपको पता है कि HDFC लाइफ के संपूर्ण जीवन प्लान का ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने इस प्लान के ऑप्शन नंबर 1 लमसम ऑप्शन की जानकारी आपके साथ साझा की। इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि इस प्लान के अलग अलग 4 वेरिएंट हैं और बोनस ऑप्शन है 5 अलग अलग, और ये 5 बोनस ऑप्शन सभी वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं। तो आपकी सुविधा के लिए संपूर्ण जीवन प्लान के लमसम ऑप्शन की वीडियो का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि इसको देखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण जीवन प्लान के ऑप्शन नंबर 2 इनकम ऑप्शन से संबंधित। अगर आप HDFC लाइफ का संपूर्ण जीवन प्लान लेते हैं इनकम ऑप्शन के साथ में, तो प्लान में जो आयु सीमा रखी गई है वो है 3 साल से लेकर के 54 साल की। अगर आप संपूर्ण जीवन 75 ऑप्शन चुनते हैं, संपूर्ण जीवन 75 का मतलब है कि आप 75 साल की आयु तक प्लान में अंडर द कवर रहेंगे। अगर आप संपूर्ण जीवन 100 ऑप्शन चुनते हैं तो 100 साल की आयु तक अंडर द कवर रहेंगे और मिनिमम एंट्री एज लिमिट होगी 18 साल की, अधिकतम 54 साल की, राइट। संपूर्ण जीवन 100 ऑप्शन के लिए बात आती है पॉलिसी टर्म की। अगर आपने संपूर्ण जीवन 75 ऑप्शन चुना तो 75 में से आप अपनी आयु को घटा दीजिएगा जो प्लान लेते वक्त आपकी होगी। अगर आपने संपूर्ण जीवन 100 चुना तो आप 100 में से अपनी आयु को घटा दीजिएगा जो प्लान लेते वक्त होगी, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। तो प्लान में सभी वेरिएंट के साथ प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो ऑप्शन है वो 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल का आपको मिल जाता है। बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट में मोड ऑफ प्रीमियम की, तो वो भी सेम ही है प्लान के सभी वेरिएंट के साथ में। जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करना पसंद करेंगे तो आपको एडवांस में 3 प्रीमियम पे करनी होगी और ये ऑटो डेबिट मोड पे ही आपको मासिक किस्त का प्रीमियम भुगतान करने का ऑप्शन मिलेगा। अब संपूर्ण जीवन प्लान के ऑप्शन नंबर 2 इनकम ऑप्शन के बेनिफिट की बात करें तो 3 मेजर बेनिफिट हैं। पहला है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे इसमें कहा गया है ऑप्शन में गारंटेड इनकम बेनिफिट। अब क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट भी मिलते हैं। बेनिफिट को समझने के लिए हम यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण जीवन प्लान के इनकम ऑप्शन के बेनिफिट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है, जिनकी आयु 40 साल की है और वो संपूर्ण जीवन 75 ऑप्शन चुन रहे हैं, यानी कि वो 75 साल की आयु तक ही प्लान में बने रहना चाहते हैं। तो ऐसे में जो पॉलिसी टर्म होगा वो 35 साल का होगा, क्योंकि 75 में से इनकी आयु को हमने घटा दिया। प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया इन्होंने 8 साल का, और सालाना बेस प्रीमियम जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है वो 1,00,000 रुपए का पे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बेस सम अश्योर्ड होगा वो 488,505 रुपए का मिलेगा। अगर बोनस ऑप्शन नंबर 5, जो कि बोनस ऑप्शन नंबर 2 जो कि सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस है, और बोनस ऑप्शन नंबर 3 जो कि कैश बोनस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब SRIB का मतलब है यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस। अब सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस का जो रेट रखा गया वो 4% रखा गया है बोनस ऑप्शन नंबर 5 के लिए, और जो कैश बोनस है उसका जो रेट है वो 2% रखा गया है बोनस ऑप्शन नंबर 5 के केस में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैश बोनस आपको किस तरीके से मिलेगा, यानी कि श्रीमान ए को। अब क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम का है, इसलिए पॉलिसी के पहले साल के अंत से बेस सम अश्योर्ड का 2% कैश बोनस मिलना लगेगा। इस वजह से जो कैश बोनस पे आउट पीरियड है वो 45 साल का ही हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, क्योंकि प्रथम ईयर के अंत से ही मिल रहा है और मैच्योरिटी के अंत तक ये मिल रहा है। तो टोटल सम ऑफ कैश बोनस पे आउट हो जाएगा, हम 2% निकाल लेंगे 488,505 रुपए का, तो 9,770.10 रुपए आएगा। इसमें 45 का गुणा कर देंगे तो 439,654.50 रुपए का टोटल सम ऑफ कैश बोनस हो जाएगा कैश बोनस पे आउट का, ठीक है। अब सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस का जो रेट है वो 4% है। अब क्योंकि ये इनकम ऑप्शन है तो इसमें हमें गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। जो गारंटेड इनकम बेनिफिट का रेट है वो है 5%, जो कि लागू होगा बेस सम अश्योर्ड पे। अब क्योंकि गारंटेड इनकम बेनिफिट प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट जब हो जाते हैं उसके बाद से मिलना चालू होता है, तो 45 साल का पॉलिसी टर्म है, 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 45 में से 8 घटा दिए हमने, तो 37 साल का हमारा GI पीरियड यानी कि गारंटेड इनकम पीरियड हो गया। अब टोटल सम ऑफ गारंटेड इनकम बेनिफिट हम कर लेते हैं, GIB का मतलब हो गया गारंटेड इनकम बेनिफिट, तो 5% हमने निकाला 488,505 रुपए का, तो हर साल 24,425.25 रुपए की दर से श्रीमान ए को गारंटेड इनकम बेनिफिट मिला। अब क्योंकि ये गारंटेड है तो बेस सम अश्योर्ड पे तो ये मिलेगा इतनी दर से। 37 साल में जो अमाउंट हो जाएगा वो 9 लाख
3,734.25 रुपए का हो जाएगा। अब जो SRI यानी कि जो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस है, ये भी मिलना श्रीमान ए को प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद से ही मिलना चालू होगा। अब हम यहाँ पे बोनस का रेट जो है सिंपल रिवर्सनरी इनकम का बोनस का रेट वो 4% ही मान रहे हैं 37 साल के लिए। अब ये कम ज्यादा हो सकता है, अब हमें समझना है कैलकुलेशन आसान तरीके से, इसलिए हम एक ही दर मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से मिलना चालू होगा तो इसका भी पीरियड 37 साल का हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4% निकाल लेंगे 4,88,505 रुपए का, तो 19,540.20 रुपए अगर 4% की दर रही सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस रेट की तो 37 साल तक मिलता रहेगा और टोटल अमाउंट हो जाएगा 7,22,987.40 रुपए का, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस मिलता है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म से पहले से ही इकट्ठा होना चालू हो जाता है, यानी कि 8 साल का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसमें जो प्रथम ईयर पे सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस रेट अनाउंस हुआ होगा वो पॉलिसी के 9वें साल के अंत में मिलेगा, और जो दूसरे साल के अंत में अनाउंस हुआ होगा वो पॉलिसी के 10वें साल के अंत में मिलेगा, और जो तीसरे साल के अंत में अनाउंस हुआ होगा सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस वो पॉलिसी के 11वें साल के अंत में मिला होगा। तो इस तरीके से जो प्रीमियम पेमेंट टर्म के 8 साल है उसके बराबर ही पॉलिसी के जो आखिरी के 8 साल होंगे उसमें जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस होगा आखिरी 8 साल का, उसके साथ में जो टर्मिनल बोनस होगा वो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलेगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस इनकम का जो रेट यानी कि जो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस का रेट है हम यहाँ पे 4% ही मान रहे हैं। ये कम ज्यादा हो सकता है, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, हम समझने के लिए केवल 4% मान रहे हैं। तो पॉलिसी के आखिरी के 8 सालों में जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस हमने माना वो 1,56,321.60 रुपए हो गया, इसके साथ में टर्मिनल बोनस यदि हुआ, यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो श्रीमान ए को मैच्योरिटी पे मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम डेथ बेनिफिट को समझते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए की जो मृत्यु है प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद हो गई, तो डेथ बेनिफिट क्या कहता है यहाँ पे, कि हमें कुछ कंपैरिजन करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि आयु 45 साल से कम है तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना कर लेंगे जो कि 10 लाख रुपए हो जाएगा, उसका कंपैरिजन कर लेंगे BSA यानी कि बेस सम अशोर्ड से जो कि 4,88,505 रुपए है, फिर टोटल पेड प्रीमियम जो बेस प्रीमियम वो 8 लाख हो गया, उसका 105% निकाल लेंगे होगा 8,40,000 रुपए, तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो 10 लाख का अमाउंट ही ज्यादा होगा। ये जो 10 लाख हुआ इसको हम कहेंगे सम अशोर्ड ऑन डेथ। अब इसके साथ में मिलेगा एप्लीकेबल बोनस, तो सबसे पहले एप्लीकेबल बोनस क्या हो गया हमारे यहाँ पे, कैश बोनस हो गया जो कि इजी है समझना, बेस सम अशोर्ड का 2%, 9,770.10 रुपए का। दूसरा एप्लीकेबल बोनस हो गया हमारे यहाँ पे वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस। अब वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस का रेट हम 4% ही मान रहे हैं, तो 4,88,505 का 4% निकालेंगे, उसमें 8 का गुणा करेंगे तो 1,56,321.60 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। अब जो हमारा सम अशोर्ड ऑन डेथ है 10 लाख रुपए, उसमें हम एप्लीकेबल बोनस जोड़ देंगे, कैश बोनस भी जोड़ देंगे 9,770.10 रुपए का, और जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस है 1,56,321.60 रुपए का, इसको भी हम जोड़ देंगे, यानी कि जो डेथ बेनिफिट हुआ हमारा यहाँ पे वो सम अशोर्ड ऑन डेथ, कैश बोनस, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस, क्योंकि हमने ये बोनस ऑप्शन चुना है, और उसके साथ में टर्मिनल बोनस, टी बोनस का मतलब हो गया टर्मिनल बोनस, तो 11,66,091.70 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस जो कि एग्जैक्टली कंपनी ही बता सकती है, ये श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बेनिफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है जी। वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखिएगा, हाई रेजोल्यूशन पे ही देखिएगा, तो यहाँ पे आपको बोनस के रेट के बारे में पता लग जाएगा। बोनस ऑप्शन नंबर 5 हमने चुना था, तो वेबसाइट पे जानकारी मिली हमें कि सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस रेट 4%, कैश बोनस रेट 2%, बोनस ऑप्शन नंबर 5 के केस में। अब बोनस ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे कैश बोनस, तो वहाँ पे आपको 4% का अनाउंस हुआ है कैश बोनस, जिसमें सिर्फ आपको कैश बोनस ही मिल रहा है। और इसी के साथ में आप बोनस ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं या 2 देखते हैं, बोनस ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो आपको पता लग रहा है स्क्रीन पे साफ कि 6% सालाना दर यहाँ पे मौजूद है जो कि सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस के, जो कि बोनस ऑप्शन नंबर 2 है। अब जो बोनस ऑप्शन नंबर 1 है जो कि सिंपल रिवर्सनरी बोनस है, उसकी दर है सालाना 8%। सिंपल रिवर्सनरी जो बोनस होता थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म इकट्ठा होता रहता है, जो कि डेथ या मैच्योरिटी पे ही मिलता है, ये चीज आप जानते हैं। अब जहां से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है। अब बात आती है बोनस ऑप्शन नंबर 4 की, तो यहाँ पे जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट दिया 4%, कैश बोनस का रेट दिया 4%,
इसको हम समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे फिर से एक, क्योंकि देखिए प्रीमियम कितना क्या पे करना है ये तो आपको पता लग जाना ही है। बोनस ऑप्शन नंबर 4 आप लेते हैं तो यहाँ पे जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है वो केवल प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर ही आपको मिलता है, यानी कि इकट्ठा होता रहता है, फिर एंड में आपको लमसम मिलता है। कैसे मिलता है उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, 35 साल की आयु है, संपूर्ण जीवन 75 उन्होंने ऑप्शन चुना, यानी कि 75 साल तक की अंडर द कवर रहना चाहते हैं, तो पॉलिसी टर्म 40 साल का हो जाएगा। माना कि प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का और बेस सम अश्योर्ड ले लिया 5 लाख रुपए का, तो ऐसे में सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो रेट हम 4% यहाँ पे मान रहे हैं जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान ही मिल रहा है, तो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो हो जाएगा वो हम 5 लाख का 4% निकाल के इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, तो 5 का अगर आप 5 लाख का 4% निकालेंगे तो 20,000 होगा, उसमें 10 का गुणा कर देंगे 2 लाख रुपए हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होंगे वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस 2 लाख रुपए का श्रीमान ए को मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेगा। अब क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का है तो जो कैश बोनस है वो यहाँ पे पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से मिलना चालू होगा, यानी कि 40 में से आप 1 साल घटा दीजिए। CBP यानी कि कैश बोनस पे आउट पीरियड, या कहें कि कैश बोनस पीरियड 39 साल का हमने यहाँ पे मान लिया, फिर 1 साल घटा के 5 लाख का बेस सम अश्योर्ड है, उसका आप 4% निकालेंगे 20,000 आएगा, इसमें आप 39 का गुणा कर देंगे तो टोटल सम ऑफ कैश बोनस जो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा वो 7,80,000 रुपए का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने माना है कि कैश बोनस का जो रेट है वो 4% रहा है। फिर से याद दिला दूं, बोनस के रेट कम ज्यादा हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले ऑप्शन वाली वीडियो देख लेंगे और ये वीडियो देख लेंगे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब क्योंकि ये इनकम ऑप्शन है तो इसमें गारंटेड इनकम बेनिफिट भी मिलेगा जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद से मिलना चालू होगा। 35 साल की आयु थी, 75 साल तक अंडर द कवर थे, तो पॉलिसी टर्म 40 साल का हो गया, उसमें से हम 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म घटा देंगे तो गारंटेड इनकम बेनिफिट पे आउट पीरियड हो जाएगा 30 साल का। सम अश्योर्ड का 5% निकालेंगे 25,000 आएगा, उसमें 30 का गुणा कर देंगे तो 7,50,000 रुपए का गारंटेड इनकम बेनिफिट हो जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको बता चुके, डेथ बेनिफिट आपको बता चुके, कैसे कैलकुलेट करना है आप देख सकते हैं। अब आप देखिए बोनस ऑप्शन नंबर 3 में आपको कैश बोनस मिलता है, राइट, और बोनस ऑप्शन नंबर 4 में भी आपको कैश बोनस मिलता है। इन दोनों ही बोनस ऑप्शंस के केस में आपके पास में ऑप्शन उपलब्ध है कि जो आपको कैश बोनस मिल रहा है वो आप ना लेके कंपनी के पास ही रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कंपनी आपका जो बोनस होगा उस पर आपको पेड अप एडिशन देगी, और ये जो पेड अप एडिशन का बेनिफिट है ये आप प्लान के स्टार्टिंग में ऑप्ट कर सकते हैं या पॉलिसी टर्म के दौरान 75 साल की आयु होने से पहले आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जो कैश बोनस आप कंपनी के पास छोड़ेंगे जिससे आपको पेड अप एडिशन मिलेगा, उस पेड अप एडिशन पे भी आपको बोनस कंपनी देगी। अब रेट ऑफ पेड अप एडिशन क्या होगा, बोनस का रेट क्या होगा, ये तो कंपनी ही बताएगी, क्योंकि जो पॉलिसी ब्रोशर अवेलेबल उसमें पेड अप एडिशन का रेट नहीं दिया है, तो यानी कि कंपनी ही बता सकती है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी ऑनेस्ट और क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिसी ब्रोशर आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप उसको ले लीजिए, पढ़ लीजिए। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक चीज खुद भी याद रखें, दूसरों को भी याद दिलाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।